साक्षी एडीएल सनशाइन स्कूल में चौथे तल्ले में खेलने के दौरान मास्टर सद्दाब हुसैन गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडीएल सनशाइन स्कूल में सोमवार को बच्चों को मानसिक दबाव से उबारने के लिए सेमिनार चल रहा था। उसी दौरान आजाद बस्ती गुलाबबाग कॉलोनी निवासी मृतक मोहम्मद अब्दुल हुसैन का पुत्र मास्टर सद्दाब हुसैन पढ़ने आया। वह छठे क्लास का छात्र है। वह स्कूल के चौथी तल्ला पर सीढ़ी पर झूल रहा था। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस बीच सेमिनार में शामिल लोग जख्मी मास्टर सद्दाब हुसैन को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाए। घटना के संबंध में स्कूल के जनरल सेक्रेटरी शंकर राव ने बताया कि मास्टर सद्दाब हुसैन सीढ़ी पर झूलने के क्रम में चौथे तल्ले से गिरकर जख्मी हो गया है। हम तो ड्यूटी से जस्ट निकले हैं लंच में, तो स्कूल आते हैं डेली, तो जैसे हम गाड़ी रखे तो जस्ट पता चला कि बच्चा ऊपर से गिर गया। कितने तल्ला से? वो फोर्थ फ्लोर से। फोर्थ फ्लोर से? जी जी जी। सीढ़ी का रेलिंग होता है। तो फिर हम तो लेट में पहले पता किया, तो वहाँ बच्ची लोगों का कहना है कि वो रेलिंग पकड़ के झूल रहा था। वही पोते के जख्मी होने की सूचना पहुंचे अब्दुल मजीद ने बताया कि उनको स्कूल से फोन द्वारा जानकारी दी गई है। शादाब हुसैन। शादाब हुसैन ना, और ये उनके फादर का क्या नाम है? लेट मोहम्मद असलम हुसैन। मोहम्मद असलम हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? हम लोग लोकल हैं। एड्रेस क्या है? बच्चे कहाँ रहता था? गुलाबबाग कॉलोनी पर्डी रोड। गुलाबबाग कॉलोनी के किस क्लास का था ये? सिक्स। सिक्स। हेलो।